करो, हमारी मांगे पूरी करो, आराम जेल के बनवा लेकिन वो हम लोग ट्रेन पे मिलके भी फिर उसे छीनना, वो कितना जुलम। और मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई पटवारी का जो रोल है, जो जॉब है, जो उसका जो उसकी ड्यूटी है, वो किन मायनों में कम है बाकी मुलाजमीन से। टी द ऑर्डर। लेकिन वो हम लोग डिमांड की बात है, तो सबसे ये डिमांड है। और वो हम लोग जानते हैं कि टाइम जब ऑर्डर आया तो ग्रेड पे 28 क्या वो जवाब थे वो हमें पता नहीं दिया गया, क्या रीजन थे। एक तारीखी दिन की शुरुआत है, तारीखी एक दौर की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आज का दिन पटवारी के लिए, पटवार फ्रेटर्निटी के लिए एक लाइफ चेंजिंग डे होने वाला है, जो पटवारी की क्वालिटी ऑफ लाइफ एक जमाने से बहुत एक पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पटवारी गुजर बसर करते आ रहे हैं, उसमें एक बदलाव लाने के लिए, नए दौर के हिसाब से उसमें चेंजेस लाने के लिए आज के दिन की शुरुआत हुई है। डिमांड्स हैं तो उनके बारे में पहला कहना चाहूंगा शॉर्ट में। सर, हमारी डिमांड है कि ग्रेड पे एनहांसमेंट हो जाए एट द रेट ऑफ 2800 ग्रेड पे एनहांसमेंट हमारी प्राइम डिमांड है, जिसके लिए विजय जी ने कहा भी था कि वादे भी किए थे, आधे वादे तेरे वादे भी गए, तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, आके बैठे भी ना थे और निकाले भी गए। यही हुआ था, ऑर्डर एक दिन के लिए आया था, आके बैठे भी ना थे और निकाले भी गए, इस कंटेक्स्ट में वो हुआ था। उसके बाद सर, मैंने अभी मैं अर्ज किया बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन नायब तहसीलदार, ये हमारी सेकंड प्राइम डिमांड है। पहले तो बैन ऑन दिस, बैन ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन नायब तहसीलदार, बिकॉज इंटेलिजेंस कम फ्रॉम बिलो टू अबो, थिंक टैंक्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम बॉटम टू अप। What was the village Swaraj model given by our father of nation Mahatma Gandhi ji, that there should be more power to the bottoms and less power to the higher ups. The Gram Swaraj model of Mahatma Gandhi ji, the Hind Swaraj book written by Mahatma Gandhi ji, where village republics were given more power. So, main agar ban direct nahi ho, to at least on the pattern of the union territory, jo Ladakh mein hai 75-25 ka ratio, uske hisab se ho sir. Our third demand is there should be creation of more Girdar circles. हमारे पास delimitation तो चलो state की हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, that was a good step. Proportional representation with respect to area और population हुआ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत disproportionate है with respect to पटवार revenue fraternity में, creation of पटवार circles and creation of Girdawar circles. ये होने चाहिए हमारी सर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। हमने तो कुछ भी बड़ी डिमांड मांगी भी नहीं है, तमाम डिमांड है जो फीजेबल है, प्रैक्टिकल है। सर, टेक्निकल ग्रेड हमारी डिमांड थी और आप उस वक्त हमें बताया जाता था, बिकॉज आप तो जरीब के विरासत से हैं, आपका काम तो इतना टेक्निकल नहीं है, लेकिन इन द लाइट ऑफ डिजिटाइजेशन नाउ वी आर प्लेइंग विद इलेक्ट्रॉन्स, नाउ वी आर प्लेइंग विद वेबसाइट्स, now digitization of land record, which is a revolutionary step and we welcome it, although we have some issues, we will discuss it. So ye tamam in the light of today, kya technical grade relevance nahi bach jati hai patwariyon ke liye? It is more relevant today as it was relevant in the earlier. So there be ek demand hai sir. Sir, there is a ban that no tehsil concerned patwari should serve in the tehsils. Sir, it is a district cadre job, and this blatant ban which has been imposed for field patwaris with respect to field patwaris, this tehsil ban should be done away. This is also our sir demand. Sir, this is the part of the memorandum which we have submitted. Sir, uske sath hamari ye bhi demand hai sir, there should be effective implementation of the transfer policy in letter and separate, giving equal
equal representation to those persons who have served in hard areas. They should get at least some sort of relaxation under the act is up to 2013. और सर उसमें हमारे एक मेंबर में नाम लेना चाहूंगा परवेज का, हमारे भाई अमीन का भी कुछ दूसरे मसले के सिलसिले में कश्मीर पहुंचाना पड़ा, परवेज अंसारी जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तीन बार उसकी बात भी की सर, तो उसकी उस ट्रांसफर पॉलिसी के अंडर भी अगर उसको एडजस्टमेंट किया जाए मेडिकल रिकग्निशन के बेसिस पे, सर वो भी डिमांड थी और है सर। हमारे जो गिरदावर साहिबांस हैं इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर आउट ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट हुई है, इनको वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाना, ये भी अपेक्स बॉडी की डिमांड है और हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। हमने यहां से भी डिमांड भेजी और ये डिमांड सारा चार्टर सर हायर ऑफिसेज में गया सर। फंक्शनलाइजेशन ऑफ द ऑफिसेज ऑफ फील्ड पटवारीज, सर फील्ड पटवारीज को ऑफिसेज रिसेंटली अलॉट किए गए, लेकिन इनको फंक्शनल बनाने के लिए एटलीस्ट बैठने लायक बेड बनाने के लिए वहां पर सर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इतना तो हम मॉड्यूलर किचन नहीं मांग रहे हैं उधर, हम तो मांग रहे हैं कि सर इतना तो कि जो एक सामान्य इंसान काम इंसान बैठ सके, वॉशरूम हो, एसेंशियल और एग्जिस्टेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात करते हैं हम। और सर इसके साथ ही जब तक वो तैयार हो जाएगा प्राइवेट एकोमोडेशन जो हमारे फील्ड बटवारिस करते हैं वो अपने जेब से रेंट पे करते हैं और काइंडली तब तक उनके रिकॉर्ड की सेफ्टी और उनका किराया वो देख लीजिए सर। सर एडिशनल चार्जेस और एडिशनल बर्डन्स, सर एडिशनल पे एडिशनल, शाहिद का चार्ज सिर्फ एडिशनल नहीं है, एक ऑलरेडी हिज हैविंग एडिशनल चार्ज, लेकिन उसके ऊपर एक और एडिशनल और एडिशनल चल रही है, तो एडिशनल चार्जेस शुड बी रेशनलाइज्ड इन द लाइट ऑफ टुडे, क्योंकि सर आज एक तरफ पटवारी डिजिटाइजेशन भी कर रहा है, केएमएल फाइल भी बना रहा है, हम तो सिर्फ केएमएल को जानते थे ऊंट को, लेकिन आज कुछ दूसरा कोई केएमएल है वो भी हम सीख रहे हैं, बगैर सेंसिटाइजेशन के, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर इफेक्टिव कुछ भी हम कर रहे हैं उसको, पता नहीं कैसे करें लेकिन कर रहे हैं उसको, ये भी कर रहा है। उसके बाद पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में वो रेड लाइन और रेड का जो डॉट है वो भी खतरा है सर, तामिलात भी चल रही है, रूटीन वर्क भी कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें मल्टीफोल्ड कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो इन द लाइट ऑफ टुडे एडिशनल चार्जेस सर, एडिशनल चार्जेस नहीं, वो एडिशनल बर्डन है, और जिसकी लाइव मिसाल अमीन है जो उसको हमने कश्मीर पहुंचाना पड़ा, इसको डॉक्टर की सर्टिफाइड कॉपी है, बिकॉज आपने सोया नहीं हो, आपने रेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से बीमार हुए थे सर। टाइमली डीपीसी ऑफ पटवारी जो डिमांड नहीं है, हक है, इट इज अ राइट सर, अंडर द शेडो ऑफ लॉ, टाइमली फर्निशमेंट ऑफ एपीआर बाय द कंसर्न डीडीओस इन अ सो मोटो मैनर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड, इन द सो मोटो मैनर, और ताकि डीपीसी अभी डीपीसी पे तारीख पे तारीख बताई जा रही है, होप ऐसे ही करे तो इस महीने की 36 तारीख तक डीपीसी आ जाए, 36 तारीख एक मेटाफर है क्योंकि करनी नहीं है शायद, तो ये भी एक डिमांड है कि सर उसको आपका टाइम टेबल है काइंडली फॉलो कीजिए, हमें बताया गया था कि दिस विल बी द हिस्टोरिक डीपीसी जो बगैर हड़ताल की जाएगी, लेकिन वही याद आ रहा है आर्नोल्ड टॉनबे का कोट याद आ रहा है, दोज़ हू फेल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री दे आर कंडेम्ड ऑफ रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। सर हमारी ये भी डिमांड है कि सर यहां पर सर ऑनलाइन डिसमिशन ऑफ सर्विसेज चल रही है, हाई क्वालिटी लैपटॉप अलॉन्ग विद प्रिंटर कम स्कैनर्स फॉर द फील्ड पटवारीज, ये इंटरनेट फैसिलिटी फॉर द फील्ड बंटवारे जाना चाहिए, हाई क्वालिटी लैपटॉप सर टेब्स दे रहे हैं सर, हमें मिसाल दी जा रही है यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में डिजिटाइजेशन हुई है, मध्य प्रदेश में बड़ा जबरदस्त हुआ सर, भूमि ऐप की मिसाल दी जाती है, लेकिन भूमि ऐप वालों के पास जो डिजिटाइजेशन वाले काम किए थे उन्होंने IIT दिल्ली से बंदे लिए थे, IIT कानपुर से लिए थे, उनके पास आकाश टैब था, आकाश से बना था बेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, वो टैब दिए गए थे तब कि वो ऑनलाइन हार्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे पास अपना वाईफाई वो भी 250 रुपया महीना का रिचार्ज जो चला रहे हैं फील्ड पटवारीज, उससे कनेक्ट करके फिर लैपटॉप से अपने वो भी विंडो पता नहीं कौन सी वाली उससे करके, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द बेटर रिजल्ट्स सर। सो हाई क्वालिटी लैपटॉप्स अलॉन्ग विद प्रिंटर कम स्कैनर्स फॉर फील्ड पटवारीज फॉर इफेक्टिव डिसमिशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज अदर देन ऑन दिस नॉन फंक्शनल टैब। सर हमें सिम दी जा रही है, बताई जा रही है आप सिम क्यों नहीं पकड़ रहे हो, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, बहु खाओ जी खाना और प्लेट तो दे दो, खाना खाएंगे, मोबाइल नहीं दे रहे हैं, सिम दे रहे हैं कि आप सिम पकड़ो। सर इन्हें खुद बोला, हम उसी डिमांड को रिट्रेट करते हैं, आप या तो टैब दीजिए या वो मोबाइल दीजिए, हमें सुपर मोबाइल भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट आज के दौर में कोई भी मोबाइल स्मार्ट मोबाइल भी होना चाहिए, 1100 का जमाना तो गया, क्योंकि हमें काम ऑनलाइन करना है, तो स्मार्ट मोबाइल दे दीजिए ताकि हम काइंडली उस सिम को पकड़ें और इंस्टॉल कर लें और सिस्टम चलाएं सर।
टोकर स्ट्राइक पेन रोल स्ट्राइक का कंटेस्ट ऑर्डर दिया और बींग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हैसियत से मुझे ये फर्ज था उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता। और आज हमने तहसील हेडक्वार्टर पे पहले दिन की पेन रोल स्ट्राइक यहाँ पर की है सर, और ये लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। और जो फार फ्लंग एरियाज में थे, बोंजवा में या पाडर में या बाकी जो इधर नहीं आ सकते, वो अपने रेस्पेक्टिव तहसील में इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। सो आवर ऑल डिमांड सर, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड जस्ट इन नेचर। तो आप मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट है कि इसको सर मोर और मोर सर्कुलेट करके हमारी रिप्रेजेंटेशन कीजिए। थैंक यू। और प्लानिंग और हैपेजर्ड इम्प्लीमेंटेशन का नतीजा आ रहा है। प्लानिंग इसमें बहुत पुअर है सर। प्लानिंग लेवल पे ऑन बोर्ड लेना चाहिए था तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स ना हो बल्कि रेवेन्यू के भी एक्सपर्ट्स हो। There should have been a balance between those experts who are technical know-how, उसके साथ साथ जिनके पास revenue know-how भी हो, तो इनका active collaboration होना चाहिए था ताकि वो अच्छी तरह planned पे होना चाहिए था। सर इसके बाद मैंने जैसे अभी कहा कि it is like fighting the war of digitization at the expense of foot soldiers, जो माजिद साहब की बात है गालिबन, उन्होंने बोला था हम अपने लैपटॉप से कर रहे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इनिशियल बहुत कम था, और आज भी 30 या 32 से ऊपर टोटल कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं है तीनों डिजिटाइजेशन सेंटर्स में, और ऑलमोस्ट 86 के करीब काम कर रहे हैं। तो स्टिल देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। सो दिस वॉर इज बीइंग फॉट ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द फुट सोल्जर्स। सर एक ट्रांजिशन है, वी आर मूविंग फ्रॉम मैनुअल वर्ल्ड टू द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, और तारीख गवाह है जब भी ट्रांजिशन हुआ है स्मूथ ट्रांजिशन के लिए टाइम लगा है। पीसफुल ट्रांजिशन, एवरलास्टिंग ट्रांजिशन और इक्विटेबल ट्रांजिशन के लिए टाइम लगा है। जब यहां इटली में एक मूवमेंट उठा था रिनाइसेंस का 1398 में उठा था, और जाते जाते 1398 से लेकर 1525 तक रिनाइसेंस का ट्रांजिशन चला। ऑलमोस्ट 275 ईयर्स इट टुक फॉर ट्रांजिशन, बट हियर इज द केस ऑन मंडे वी आर मैनुअल वर्ल्ड, on Tuesday it is being expected there should be A to Z digital world. It can't be possible. So this imposed transition will breed more chaos. ये भी एक सर इशू है। सर लॉन्च ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, सर मैंने वही कहा तमाम एक्सपर्ट्स नहीं है कंप्यूटर के, मैं तो तौफीक से बीच बीच में सीखता हूँ, माजिद साहब से सीखता हूँ, हालांकि अपने दौर में टाइप तो करते थे, लेकिन मैक्सिमम बनते हैं जिनको टाइप करना भी नहीं आता है, जिनको पता नहीं है व्हाट एक्चुअली इज दिस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। तो उनके लिए लॉन्च ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज विदाउट बेसिक ट्रेनिंग नहीं कह रहा हूं मैं, पहले इस अल्फाज को सुनिएगा, पहले सेंसिटाइजेशन आएगी कि भाईजान है क्या ये, मेरे भैया है क्या ये। सेंसिटाइजेशन जब होगी उसके बाद ट्रेनिंग होगी, उसके बाद अवेयरनेस कैंप्स होंगे। ना सेंसिटाइजेशन हुई, ना ट्रेनिंग हुई, ना अवेयरनेस कैंप हुए, सिर्फ बताया गया आपके उधर रेड लाइन चल रही है जल्दी से डिलीवर कर लो। अरे भाई समझा दो, डिलीवर तो हम करेंगे, पहले ये तो बता दो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड जो बाबा आदम के बाद में अलादीन का चिराग तो नहीं है, चलेगा कैसे चलेगा, पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए। इशू है सर। सर वी हैव अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ऑनलाइन सर्विसेज डिसिमेशन में भी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे ऑफिसेज में बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इन फील्ड ऑफिसेज फील्ड पटवारी के पास बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट नील ऑफिसेज में अगर है लेकिन ऑलमोस्ट फील्ड पटवारी सिर्फ नील। लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी टू द ऑफिस पटवारी दिस फील्ड पटवारी। माल फंक्शनिंग सर, वेबसाइट डाउन रहती है ये बीच टाइम, मैक्सिमम टाइम कभी एरर 500 दिखाता है, कभी हमारी जनरल डिजिटाइजेशन की वेबसाइट डाउन रहती है, और अगर ये बोले कि नहीं ये चल नहीं रहे तो उस पर भी हम पे ही ब्लेम क्यों करना है। इतनी बड़े टेक्नोलॉजिकल जायंट्स जो मुझे लगता है टाटा कंसल्टेंसी के भी एक्सपर्ट्स हैं या विप्रो के भी एक्सपर्ट्स हैं, रामटेक वालों उनकी वेबसाइट उन पे फॉल्ट, मोस्ट ऑफ द जो ब्लेम जो रामटेक वालों को डालना चाहिए था वो अननेसेसरी पटवारियों पे ही डाला जा रहा है। तो ये माल फंक्शनिंग ऑफ द वेब पोर्टल भी है सर। अनफॉर्चुनेटली अंडू प्रेशर बाय हायर ऑफिसर्स बाय इग्नोरिंग ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये भी चल रहा है सर। वी हैव नो, देखिए सर आर्टिकल 43 में कहा कि ऑल एम्प्लॉइज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हैव सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करना। सोशल अपॉर्चुनिटी सर हमारी ये है कि कोई शादी करेगा, कोई नाचेगा, कोई गाएगा, कोई ताजुद पढ़ेगा, कोई आउटिंग पे जाएगा इन डिक्लेयर्ड हॉलीडेज। और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज सर ये भी होती है, कोई ईद होती है, होली होती है, दिवाली होती है, दशहरा होता है, ये तमाम कल्चरल अपॉर्चुनिटीज है। अगर ये भी हमें इसके नाम से लिया जाएगा तो फिर तो हम तो मशीन मैन और इलेक्ट्रॉनिक मैन से ऊपर कुछ भी नहीं बनेंगे।
सर इसके साथ हमारी ये भी एक इश्यू है कि देर शुड बी एटलीस्ट नो आस्क फॉर प्रोग्रेस ऑन हॉलीडेज विच आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हॉलीडेज एंड आर एटलीस्ट बियॉन्ड ऑफिशियल अवर्स मिडनाइट तामिलात भी नहीं मांगनी चाहिए। सुबह सादिक पे तामिलात कौन देगा? सुबह सादिक के वक्त, पौने तीन के वक्त पता है कि जाओ जी हाफ नोट मिडनाइट तामिलात कौन दे सकता है? सर एक इशू है। उसके बाद सर नो मोर फोर्स और बॉन्डेड लेबर सर ये डिजिटाइजेशन के कंटेक्स्ट में। एंड सर एक इशू ये भी रहा कि सर एक जैसे एक हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रामटेक के साथ था, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2016 में किया गया था सिक्योरिंग, जो हमारे कर स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने एक्सप्लेन किया कि ये उनकी जिम्मेवारी थी। अब चूंकि दे आर फेलियर बिफोर द रेवन्यू नॉलेज, उन्हें हैंड्स अप किया और अनऑफिशियली वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतरी है, ये एंड द होल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में ट्रांसफर टू द पटवारी। सर ये इशू है। उसके बाद सर देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, वो बैलेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटाइजेशन में जो इक्वी डिस्टेंस था वो खत्म हो रहा है। तो ये दीज आर ऑल अवर डिमांड्स। तो इसी में आउटसाइड द पार्लियामेंट लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री, आवर लॉज आर आवर डिमांड्स आर नॉट आउटसाइड द ऑल द लॉज ऑर्डर्स रेजोल्यूशंस पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स स्टेट एग्जीक्यूटिव्स टाइम टू टाइम। सर अजान के बाद सर कंटिन्यू।